यहाँ मैंने साग बना लिया है। मैंने कहा सुबह सुबह साग बना के घोट के भगोने को धो दिया कि बस अब इसको तड़का लगाना है। और देखिए कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा सा घुटा है। अभी सब सो रहे हैं और मैंने अपने लिए और काम वाली के लिए चाय बना ली है। जब सब उठेंगे सबका नाश्ता बनेगा और मैं तो नहा भी ली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। तैयार तो क्या हुई हूँ, मेरा ये था कि मैं सैलून भी जाके आ गई हूँ। बच्चे सो रहे हैं क्योंकि राहिल ने लास्ट आज का डे दिया था कि आज सारे काम करके वो निकलना है हमने, क्योंकि बहुत लेट हो गए, कहाँ टाइम बहुत कम बचा है। तो बस अभी मैं पॉलर से भी होकर आ गई हूँ और मैंने साग को भी कूट लिया है, चाय बना ली है अपने लिए। अब जब सब सो के उठेंगी और मेहंदी वाली को कॉल कर दिए तो बस आने वाली है। मैं जब तक मेहंदी लगवाना शुरू करती हूँ फिर सब उठेंगे या उससे पहले नाश्ता बना के रखते हैं साथ में। ये देखते अब तो गला ख़राब हो गया, जानेंगे टाइम पे। तो फिर आपसे मिलते हैं हम मेहंदी लगवाने के टाइम। आउटलेट ये देखिए, आज मैं हैदराबाद ये पहन के जाऊंगी क्योंकि अभी हम जब तक पहुंचेंगे कुरान खानी हो 10 चल रहा होगा। तो मैंने कहा चलें सिल्क का न्यू बनवाया था वो पहन लेती हूँ। मेहंदी लग चुकी है और दोनों हाथों पे भी लग गई है। चलें जी हम हो चुके हैं रेडी हैदराबाद निकलने के लिए, क्योंकि काफ़ी सी चीज़ें रह गई थी जो बाइक के थी तो मंगवा ली हैं, क्योंकि ब्राइड का कलश रहता था, ब्लाउज थोड़ा सा सही करवाना था। सारे काम हो गए, मेरी मेहंदी का काम भी हो गया क्योंकि मुझे मेहंदी लगवानी थी। बड़ा वो हो रहा था कि मेहंदी नहीं लगेगी। गाड़ी आ चुकी है और सब रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर भी मेहंदी लगवाई है मैंने। तो चलें फिर आपसे इंशाल्लाह जो भी होगा अपडेट आपको देंगे। और आप साथ रहिए और देखें क्या क्या वीडियो बना सकते हैं। फिलहाल गाड़ी में सामान रखते हैं और फिर आपसे हम मिलते हैं। देखिए यहाँ पे सारा ढोलकी का सेटअप किया है जो कि अभी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। ऐसे कि सारे फ्रेंड्स आएंगी अभी ये लगेगा। और हम अभी पहुँचे हैं तो बस हमने चाय पी है और ब्राइड का वेट कर रहे हैं। ब्राइड सलून से आती है फिर उनसे मिलते हैं। और अच्छा लग रहा है, छोटा मोटा यहाँ बहुत ठंड है फ्रेंड्स, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मैंने कहा चले पहले बच्चों को रेडी करती हूँ और फिर खुद भी चेंज करती हूँ, क्योंकि कराची से आई थी ये पहना हुआ है और सारे मेहमान है तो सबने देख लिया है। तो चले अभी चेंज करते हैं। नहीं मेरा ये भी अच्छा था लेकिन मैं कहा नहीं फिर भी चेंज कर लेती हूँ। ढोलकी है, सारे गेस्ट आएंगे, सारी आयशा की फ्रेंड्स भी आएंगी। तो चलें तैयार होते हैं फिर मिलते हैं। इतने सारे कपड़े लाए लेकिन सर्दी इतनी है कि दिल नहीं कर रहा तैयार होने का। लेकिन चले अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल पहुँच चुकी हूँ और अब तैयारी शुरू करते हैं ढोलकी की और रेडी होते हैं। नापिया तैयार हो चुकी है। नापिया पिंक सैंडल पहनो, पिंक नहीं पहन रही। नापिया हो गई रेडी। नापिया अभी ढोलकी के लिए तैयार हुई है। हम लोग हैदराबाद पहुंच चुके हैं और नापिया बहुत प्यारी लग रही है। नापी हाय कर दो, नेल पॉलिश दिखाओ अपनी, ये देखो क्यूट प्यारी सी। जो आप नीचे जाओ, मामा भी आ रही है। कहाँ गया आपका बादाम? अच्छा अपना ड्रेस तो दिखा दो, ये तारिक रोड से लिया था बेटा। ये देखिए नाबिया का ड्रेस, ये मैंने तारिक रोड से लिया था। आप जाओ नीचे, मामा आ रहे हैं। और ये मैं हो गई हूँ तैयार, अभी ढोलकी के लिए तैयार हुए हूँ। यहाँ देखिए मैं प्रॉपर दुल्हन वाली फीलिंग आ रही है, बहू की जो फीलिंग होती है ना वो आ रही है। हाँ ये देखिए इसमें भी सारे कड़े छड़े पहन लिए हैं क्योंकि कराची में तो हम पहन नहीं सकते।
लाइट थोड़ी कम है ना, इसलिए आ रही। चलें जी, हम हो गए हैं रेडी ढोलकी के लिए और बस अभी निकलते हैं और इंजॉय करते हैं। मैं आपको ब्राइड से मिलाऊंगी अभी ज़रूर। तो ये हम हो चुके हैं रेडी, मैं आपको मिरर फंक्शन का एंड हो चुका था और बस सब थक गए थे। बहुत डांस हुए, सब कुछ हुआ, बहुत सारी कज़न्स ने डांस किए, हंसी मजाक किया, गाने गाए, बहुत इंजॉय किया हम सब ने। और हम नो चेंज कर चुके थे तो बस अब एंड था। चलें जी, सारा एंड हो गया है, ढोलकी हो गई खत्म, हम उन्होंने चेंज कर दिया है और चूड़ी अच्छी अच्छी लग रही है, उन्होंने चूड़ी पहनती नहीं है ज़्यादा। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलेंगे बहुत सारे ब्लॉग के साथ। अब बस वाइंड अप हो गया है तो मेरे ख्याल चले ब्लॉग का एंड लेते हैं और इंशाल्लाह आपसे एक नए ब्लॉग में मिलेंगे बहुत सारी दुआओं के साथ। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, इंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह आपसे एक नए ब्लॉग में मिलते हैं बहुत सारी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़। सब चीज़ें ख़त्म होने के बाद हमें याद आया कि ब्राइड टू बी का केक आया था कराची से, अक्सर लाई थी, वो कटिंग करवाना है तो एंड में वो किया। चलें जी, बहुत शुक्रिया, फिर एक नए ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।